और आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आशीष चौधरी खबरों के साथ। और हमारे सहयोगी के हिसाब से जी हां, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। रक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जी हां, इन्होंने लाया घुटनों पर पाकिस्तान को। इमरान खान की सिट्टी पिट्टी गुम, क्या बात है। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। उनकी भी आत्मा की शांति के लिए ये सारा भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो घोषणा चंडिका के चरणों में पंडित जी ने कली और यहाँ समर्पण कर दिया था। क्लियर कट कह रहे हैं कि पुलवामा ने जब यहाँ पे जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही थी तो हमने आपसे पूछा था, और उसी वक्त जो है रक्षा मंत्रालय में भी मीटिंग चल रही थी। और कमाल की बात ये होगी कि आज सुबह ही जैसे ही देवी का यहाँ प्रस्थापन हुआ और हवन शुरू हुआ, और आज सुबह ही 3:30 बजे जो है एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे बुरी तरह से हमला बोल दिया और पाकिस्तान के कई इलाके जो है ध्वस्त हो गए। तो ये माँ दुर्गा का मुझे लगता है पहला ऐसा आतंक जो हमले के पहले, पुलवामा हमले के बाद और इंडिया भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहले ये पहला नवी मुंबई का यज्ञ है जो आपने किया, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। सर जी, ये तो सारा श्रेय माँ जगदम्बा को जाता है, जो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है जी। और ये तो उपद्रव तो मचाते ही हैं आतंकवादी जो हैं जी, तो इनके मुंह तोड़ जवाब के लिए है और विश्व कल्याण के लिए है। ये तो हमने आपको कल ही बताया था कि विश्व कल्याण के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए और युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए महायज्ञ किया गया है। हमारे जो सेनानी शहीद हुए हैं, ऐसा जो दुखद हमारे भारतवर्ष में हुआ है, जो दिन रात जाग करके हम सबको चैन की नींद सुलाते हैं, और ऐसे महान सेनानी महावीरों के लिए हमने ये जो यज्ञ किया है जी। जी, आपने कल भी ये बात बोली थी, हमारे पास वो लाइनें हैं, हम सोचेंगे कि उनको भी डाल सके बीच में। तो हमने उनकी आत्म शांति हेतु ये जो महायज्ञ किए हैं, विश्व कल्याण की यज्ञ हेतु ये यज्ञ किए हैं, ये भगवती की कृपा हुई है। जिनका यज्ञ शुरुआत हुआ और प्रारंभ हुआ उसके तुरंत ही बाद भगवती ने इसका प्रतिफल हमें दिया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और ये कभी आतंकवादी जो पाकिस्तान जो इनको पाल रहा है ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। और ऐसी हम भगवती से कामना करते हैं कि भगवती ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब देती रहे, जब जब ये उपद्रव मचाएं, और जब जब पृथ्वी में किसी प्रकार का उपद्रव होता है तो भगवान या भगवती जो है कोई ना कोई रूप धारण करके और आती है। चंडिका जो है, चंडी वैसे भी दुष्टों का हनन करने वाली है, और भगवती चंडी की ही कृपा से जो है ये सब हुआ है और इनको मुंह तोड़ जवाब हुआ है। और भगवती ऐसे ही सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसलिए हमने न्यू बॉम्बे उल्वे नोड में भगवती का महायज्ञ किया है, साथ में रामलीला का आयोजन किया गया है, और 10 दिन तक जो है लोगों के लिए हमने 10 दिन के लिए यहाँ भंडारा आदि की भी व्यवस्था रखी है, और लोग यहाँ पे आएँ दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा में से लोग दर्शन करके यज्ञ भगवान का प्रदक्षिणा करें और अपने मन को शांत बनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो क्या आप जय हिंद और वंदे मातरम एक बार बोलेंगे? जरूर, हमारी भगवती हमें ऐसे ही प्रेरणा देती रहे, जो हमें से यज्ञ करें और भारतवर्ष का नाम उजागर करते रहें। बोले गणपति गजानन महाराज की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। जय।